Hello everyone. I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now and the question is a conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity V perpendicular to one of its sides a magnetic field B constant in time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere as in given figure the current induced in the loop is and the options are option A BLV upon R cos clockwise option B BLV upon R आर एंटी C, आर एंटी और एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन सी 2b lv अपॉन r एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑप्शन डी ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एक फिगर गिवन है जिसमें क्या है एक कंडक्टिंग स्क्वायर रूप है जिसकी साइड l है और रेजिस्टेंस जो है r है वो v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू इट्स साइड मतलब मूव कर रही है अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इन टू प्लेन ऑफ द लूप ये प्लेन ऑफ द लूप है और इस फिगर में से अब करंट इंड्यूज होने से पहले क्या होगा लूप में एक ई एम एफ इंड्यूज होगी वी नो दैट the induced emf in the loop is emf is equal to minus d phi by dt matlab a rate of change of of magnetic flux राइट right. और इसे हम लिख सकते हैं डी बाय डी टी ऑफ बी ए बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की होने की वजह से जो लूप है इसमें कोई फ्लक्स uh, में चेंज नहीं होगा और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने की वजह से कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा इस लूप में ड्यू टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नो change in magnetic flux occurs so no emf will induced as a result इंड्यूस्ड करंट इन द लोप इज जीरो अगर हम ऑप्शन को देखें ऑप्शन डी है जीरो सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन देर फोर द करेक्ट ऑप्शन Is D. So this is all about the question. I hope you have understood it. Thank you.